चैनल आज मोनेटाइज हो गया है आपकी वजह से, रीयूज्ड कंटेंट आया था सर। यहां पर देख सकते हो भारत गेमर लिखा हुआ है। गेमिंग का भी स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाला हूं आपको अबाउट रीयूज्ड कंटेंट। रीयूज्ड कंटेंट बहुत ज्यादा दुखी कर चुका है यूट्यूबर को, और जितने भी यूट्यूब पर नए नए लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, मेहनत करके अपना 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यूट्यूब बोलता है आपने तो रीयूज्ड यूज कर लिया, हम आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। फिर लगता है गुस्सा कि इतना मेहनत करने के बाद सब कुछ कर लिया, अब कह रहा है रीयूज्ड कंटेंट, जबकि वैसा ही चैनल वैसे ही टाइप की वीडियो दूसरे चैनल पर अपलोड है, उनके चैनल मोनेटाइज है, चल भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि चैनल एक भाई साहब ने मुझे कमेंट किया है, मैं आपको यहां पर दिखाऊं, जैसा कि आपको भी साइड पे दिख रहा होगा, यहां पर ना मैं ओपन करता हूं अपना, ये देखो YT स्टूडियो मैंने ओपन किया, ठीक है। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद मैं यहां पर कमेंट सेक्शन में आता हूं, इट्स मूवीज टाकीज, इन्होंने एक मैसेज किया है यहां पर कि सर मेरा भी रीयूज्ड कंटेंट के लिए मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है, 4 मंथ अर्निंग होने के बाद मैंने आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है, प्लीज हेल्प मी सर। देखो यहां पर मैं लाइक भी कर देता हूं और इनके हार्ट भी दे देता हूं इनके इस कमेंट को, और वीडियो भी शूट कर रहा हूं आपके सामने। इट्स मूवी टॉकीज, इनके इस चैनल को मैं ओपन करूंगा, यहां पर आपको दिखाता हूं इनके चैनल पर ऐसा क्यों आया है और आपके चैनल पर आगे से ना आए आपको क्या करना है, और अगर आपके चैनल पर आया है ना तो क्या करना है वो भी बताऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करो, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा यार, क्योंकि बहुत दुखी हो चुके हैं लोग। यहां पर इनके चैनल का नाम था इट्स, ये इस टाइप की कुछ वीडियो इन्होंने अपलोड की, जो कि मैं आपको इनका पहले लोगो मैच करवा दूं, ये वाला लोगो है और दूसरा लोगो ये है, यानी कि सेम टू सेम लोगो है, ठीक है। अब मैं ओपन करता हूं इनके चैनल को, यहां पर मैंने ओपन किया साइड में, और इन्होंने मुझे कमेंट किया है इसलिए मैं इनके चैनल को ओके चेक करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको भी जो चीजें बताऊंगा वैसा ही करना अपने चैनल पर, जिससे कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो गया है तो आपका डिसेबल ना हो, मोनेटाइजेशन ऑफ ना हो, और अगर मोनेटाइज ऑफ मोनेटाइज ही अभी तक नहीं हुआ है तो ये काम मत करना, नहीं तो मोनेटाइज होगा ही नहीं, तो ये काम एकदम बिल्कुल मत करना जो इन्होंने किया है, गलती की है। देखो इन्होंने ना क्या किया है कि एक इनकी सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख लेते हैं, इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में 3 महीने पहले इन्होंने एक वीडियो डाली है, द रेजिडेंट सिनेमा गोल्पो फुल मूवी एक्सप्लेन किया इन्होंने। मैं इसको ओपन करता हूँ, एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, इन्होंने ये वीडियो एक बना के डाल दिया, ठीक है। अब इसमें वॉइस इन्होंने डाला है, तो वॉइस डाल रहे थे तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस डाल रहे थे, चल रही थी, अच्छी बात है, 4 महीने से ये अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। 4 महीने से कह रहे हैं मैं अर्निंग कर रहा हूं, और 4 महीने से ये अगर अर्निंग कर रहे हैं, पूरी डिटेल इनके इस वीडियो से मैं निकाल लेता हूं, यहां पर वीडियो पे चलते हैं और इनकी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो को ओपन करता हूं। सबसे ओल्डेस्ट वीडियो इनकी 7 महीने पहले की है, जिस पर ये वीडियो बनाते थे, स्लीपिंग ब्यूटी और एवेंजर्स, इन सब टाइप की ये वीडियो बनाते हैं। यहां पर एक वीडियो और चलाता हूं, इस पर देखो ये इस टाइप का वीडियो बनाते, ठीक है। अब इनके चैनल पर आ गया है रीयूज्ड कंटेंट। रीयूज्ड कंटेंट क्यों आया है मैं आपको यहां पर बताता हूं। रीयूज्ड कंटेंट आने का मेन कारण होता है, जैसे इनके एक वीडियो पर 3 महीने पहले इन्होंने एक वीडियो डाली, द रेजिडेंट सिनेमर गोलोपो, इस पर टाइटल का नाम है, और फुल मूवी एक्सप्लेन किया इन्होंने, और एक यहां पर डाला है शांति दूतम करके शायद लिखा है, जस्ट मैरिड 2003, इस टाइप का इन्होंने एक कंटेंट बना के डाल दिया है, और ये थोड़ा सा जिस टाइप का कंटेंट यूज कर रहे हैं ये होता है रीयूज्ड कंटेंट। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही टाइप का वीडियो आप अपलोड किए जा रहे हो, दूसरे की उठाकर उस पर वॉइस डालते जा रहे हो, एक वीडियो डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। लेकिन अगर आपने 10, 20, 50 वीडियो अपने चैनल पर डाल दी तो आपके चैनल से YouTube मोनेटाइजेशन को बंद कर देगा, चाहे आपका वॉइस ओवर हो या फिर आपने कुछ भी किया हो, क्योंकि उसमें आपका कुछ वैल्यू नहीं देखेगा YouTube, यही देखेगा कि आप तो बस दूसरे की वीडियो उठाते हो, उस पर सिर्फ वॉइस डाल के और अपलोड कर देते हो, जबकि वो वीडियो उठानी होती है जो वीडियो सीसी हो, यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो हो, या फिर रॉयल्टी फ्री वीडियो देता हो, विदाउट कॉपीराइट वाला वीडियो, जहां से आपको वेबसाइट से मिलती है वीडियो, उस वीडियो को अगर आप यूज करते हो तो आपके चैनल पर रीयूज्ड नहीं आएगा, अन्यथा आपके हर एक वीडियो हर एक चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आएगा, अगर आप किसी दूसरे का उठाकर वॉइस ओवर कर रहे हो तो।
वही गलती इन्होंने भी की है जिससे इनका चैनल मोनेटाइज था और अब मोनेटाइज नहीं है। तीसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा मैंने बहुत से चैनल मोनेटाइज करवाए हैं। जैसा कि अभी आपको मैं दिखाऊं यहां पर, ये देखो, ये मैं यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा से ऑन कर लेता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं, राइट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद अब मैं यहां पर आता हूं, इमेज पे आने के बाद यहां पर एक मैसेज देख सकते हो, रिमोट विलेज गाय चैनल ने लिखा है, सर गॉड ब्लेस यू, आपकी वजह से मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया है, थैंक यू भाई, मैंने वीडियो बनाया है अपने चैनल को वेरिफिकेशन के लिए, जैसे आपने बताया मैं वैसा ही किया, थैंक यू सो मच, ऐसा बोला। उन्होंने कहा ठीक है, इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है और इन बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैंने इनको सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। उसके बाद सर मेरा चैनल आज मोनेटाइज हो गया है आपकी वजह से, रीयूज्ड कंटेंट आया था सर। यहाँ पर देख सकते हो भारत गेमर लिखा हुआ है, गेमिंग का भी चैनल हम मोनेटाइज करवा देते हैं, बताते हैं। देखो इसमें अगर मैं बोलूँ आपको कि मैंने करवा दिया तो ये गलत होगा, मैंने बताया, मैं एक जरिया बना आपका, मैं एक आपको मेडिटेटर बन गया बीच का बताने वाला कि भैया ऐसे काम कर लो तो मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने आपको बताया है जो चीज़ें, अगर वो चीज़ें आपने कर ली तो किसी के बाप के दम नहीं है कि आपके चैनल को मोनेटाइजेशन से रोक ले। लेकिन जो मैं बताऊंगा उतना ही करना है क्योंकि यूट्यूब पर ये फर्जी लोग जो बता रहे हैं मैं उन फर्जी बातों में बिलीव नहीं करता हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आपको वही चीज़ें बताऊंगा जिस पर मैं बिलीव करता हूं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल हों, जो चीज़ें सच्चाई हो। यहां पर एक यूट्यूब टीम ने एक ट्वीट किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज जानकारी है आप सबके लिए, पहले ही जान लो, क्योंकि योर चैनल और अकाउंट में आल्सो वी टर्मिनेटेड ड्यू टू रिपीटेड वायलेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइन और टर्म्स ऑफ सर्विस। यहां पर इन्होंने लिखा है कि आप अगर हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपके चैनल को टर्मिनेट, डिलीट, सस्पेंड सब कुछ कर देंगे। बाद में मत कहना कि चैनल हमारा बंद क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर देख लो व्हाट हैपेंड आफ्टर कंटेंट इज रिपोर्टेड, यहां पर लिखा हुआ यू विल बी नोटिफाई ऑन व्हाट कंटेंट वॉज रिमूव्ड, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, साइड में रोक के वीडियो को पढ़ लेना, ठीक है। और आपको दोस्तों बता दूं कि हमारा मकसद आपको बताना नहीं है, हमारा मकसद आपको सिखाना है कि किसी भी काम को अगर मैं बताऊं आपको तो वो सीखो आप, ना कि मैं आपको बता रहा हूं और आप पर जता रहा हूं कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं समझाने और सिखाने के लिए हर एक वीडियो क्रिएट करता हूं, हर एक वीडियो बनाता हूं और जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो इसी टाइप से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।